आई गुजरातियों से बिहारी डरा जाएगा। अरे बताओ तो, बिहार के लोग गुजराती लोग से डराएगा? अरे डराएगा। हिंदू मुस्लिम खतरा हो रहे सनातनी के, प्रधानमंत्री हमारे सनातन धर्म के, राष्ट्रपति सनातन धर्म के, तीनों सेना के अध्यक्ष सनातन धर्म के, सब मुख्यमंत्री सनातन धर्म के, बिकार सनातनी खतरे में कैसे रहे भाई। बीच चुनाव तेजस्वी यादव का एक बयान खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि बिहारी गुजरातियों से नहीं डरते हैं। मतलब ये कि तेजस्वी यादव ने खुलकर ये कह दिया है कि बिहारियों को डराने की जो कोशिश गुजरात के मोदी और शाह कर रहे हैं, उनसे कोई भी बिहारी डरने वाला नहीं है। नमस्कार आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुमुलीरम। 2019 के चुनाव में जिस तरह से भाजपा और एनडीए ने विपक्ष का सूपड़ा साफ कर दिया था, लेकिन 24 के चुनाव में भाजपा के लिए वो लहर नजर नहीं आ रही है। नीतीश कुमार के एनडीए में चले जाने के बाद भी माहौल 2019 वाला बन नहीं पा रहा है। भाजपा का कोई एजेंडा काम नहीं कर पा रहा है। हिंदू मुसलमान का मुद्दा असर नहीं दिखा रहा है। राम मंदिर के नाम पर वोट मांगने की राजनीति काम नहीं आ रही है। और यही वजह है कि जब पीएम मोदी बिहार पहुंचे तो उन्होंने तेजस्वी यादव को शहजादा बता दिया, जिसका जवाब देते हुए तेजस्वी ने कहा था कि मोदी जी पीर ज्यादा हो गए हैं, मतलब ये कि बुजुर्ग हो गए। लेकिन इन सब के बीच तेजस्वी यादव ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसमें उन्होंने मोदी और शाह का नाम लिए बिना उन्हें गुजराती बताते हुए रैली में आई भीड़ से पूछ बैठे कि क्या बिहारी गुजरातियों से डर जाएगा। आई गुजरातियों से बिहारी डरा जाएगा? अरे बताओ तो, बिहार के लोग गुजराती लोग से डराएगा? अरे डराएगा। लड़ना है कि नहीं लड़ना है? एकजुट होना है, एकजुट होकर के इन सांप्रदायिक शक्तियों को मुंह तोड़ जवाब देना है। तेजस्वी यादव अपनी रैलियों में यही नहीं रुक रहे हैं, बल्कि खुलकर मोदी और शाह को चुनौती दे रहे हैं। अपनी सभाओं में उनका मजाक बना रहे हैं। पीएम मोदी के पुराने भाषणों को स्पीकर पर तेजस्वी सुनाकर मोदी को झूठा साबित कर रहे हैं। अभी तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी द्वारा हिंदू मुस्लिम करने पर ऐसा करारा जवाब दिया है जिसे सुनकर भक्तों के भी होश ठिकाने आ गए। हिंदू खतरे में है वाले बयान पर तेजस्वी ने कहा कि हिंदू खतरे में नहीं है, बल्कि मोदी की कुर्सी खतरे में है। हम लोग तो बता दिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। मोदी जी 8-10 बार आ गए बिहार, सुन लो कि क्या कहले हो, क्या बोला, क्या देंगे? कुछ नहीं। हिंदू मुस्लिम खतरा हो रहे सनातनी के, प्रधानमंत्री हमारे सनातन धर्म के, राष्ट्रपति सनातन धर्म के, तीनों सेना के अध्यक्ष सनातन धर्म के, सब मुख्यमंत्री सनातन धर्म के, हर प्रदेश के हर गवर्नर सनातन धर्म के, फिर भी कह रहे सनातनी खतरे में कैसे रहे भाई। अरे सब थमना है, ये लोग समाज को बांट करके राज करना चाहता है, इसलिए इनके झांसे में नहीं आ रहा है। बीजेपी का मतलब है बड़का झूठा पार्टी। तेजस्वी यादव जिस बेबाकी के साथ बिहार में मोदी शाह के साथ नीतीश कुमार से लड़ रहे हैं, वो दिखाता है कि 24 के चुनाव को आसानी से जाने नहीं देंगे, क्योंकि 24 का चुनाव ही 25 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव का भविष्य तय करेगा। तो तेजस्वी यादव द्वारा गुजरातियों पर दिए गए बयान को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर करें, और अगर अब तक आपने खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लें।